हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल गुरुकुल आईएएस। न्यूक्लियर वेपन आर्सेनल में बहुत बड़ा फेरबदल हुआ है। इंडिया ने पाकिस्तान को नंबर्स में पीछे कर दिया है, वहीं चाइना ने पहली बार 500 के आंकड़े को छुआ है। सिप्री ईयरबुक 2024 के अकॉर्डिंग नंबर्स एंड टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स में बढ़ोतरी देखी गई है। सभी न्यूक्लियर आर्म कंट्रीज अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को मॉडर्नाइज कर रहे हैं। पहली बार कोल्ड वॉर के बाद ये वेपन सबसे ज्यादा नंबर्स में हाई अलर्ट पर डिप्लॉय कर दिए गए हैं। तो सवाल यह है कि न्यूक्लियर वेपन्स टोटल दुनिया में कितने हैं, किस कंट्री के पास कितने न्यूक्लियर वेपन्स हैं, इंडियन पाकिस्तान का क्या स्टेटस है, वहीं चाइना कहां स्टैंड करता है न्यूक्लियर वेपन की रेस में, क्या ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ गए हैं, ये न्यूक्लियर वेपन को कंट्रोल करने वाली ट्रीटीज का क्या हुआ जो न्यूक्लियर वेपन इंक्रीज होते जा रहे हैं, कौन कंट्री कितना स्पेंड कर रहा है न्यूक्लियर वेपन्स पे, ऐसे ही अनगिनत सवाल हैं। बट बिफोर वी बिगिन, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल गुरुकुल आईएएस। इससे आपका कुछ नहीं जाता, बट हमें काफी मोटिवेशन मिलती है कि आपके लिए ऐसे ही एनरिचिंग कंटेंट लाते रहें। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल, न्यूक्लियर वेपन्स एट प्रेजेंट दुनिया में कितने हैं? एक एस्टिमेट के हिसाब से न्यूक्लियर वेपन्स दुनिया में 12,121 है। इसमें से भी लगभग 3,904 डिप्लॉयड हैं विद मिसाइल्स एंड एयरक्राफ्ट। ये नंबर 60 ज्यादा है लास्ट ईयर के कंपैरिजन से। सबसे खतरनाक बात यह है कि लगभग 2100 न्यूक्लियर वेपन हाई ऑपरेशनल अलर्ट पे हैं ऑन बैलिस्टिक मिसाइल, जो कभी भी फायर कर दिए जा सकते हैं। या गलती से भी फायर हो गए तो न्यूक्लियर वॉर का खतरा हो सकता है। और ये जो 2100 वॉरहेड्स हैं, इनमें से मोस्टली हैं रशिया एंड यूएसए के। चाइना ने इसमें पहली बार एंट्री मारी। ऐसा माना जा रहा है कि चाइना ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स पहली बार हाई ऑपरेशन अलर्ट ऑन बैलिस्टिक मिसाइल पे रखा है। इसका कारण मेरे हिसाब से चाइना की एक्सपेंशनिस्ट टेंडेंसीज और चाइना का ताइवान इशू हो या तिब्बत में उनका इशू हो। इसके अलावा चाइना वो गलती नहीं करना चाहता जो रशिया ने यूक्रेन में की है, इसलिए पहले से ही अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। दूसरा सवाल, दुनिया में किस कंट्री के पास कितने न्यूक्लियर वेपन्स? ईयर बुक 2024 आर्मामेंट्स, डिसआर्मामेंट्स एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी। अच्छा, इस बुक में सारी डिटेलिंग दे रखी है वर्ल्ड न्यूक्लियर फोर्सेस की जनवरी 2024 तक। जैसे हम देख सकते हैं कि टोटल 9 कंट्रीज हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है, और सबसे ज्यादा किसके पास है? रशिया के पास है। बट वही चीज है कि डिप्लॉयड कितने कितने कर रखे हैं। तो यूनाइटेड स्टेट ने सबसे ज्यादा डिप्लॉय कर रखे हैं 1770, वहीं रशिया के 1710 है। अच्छा, इस बार नया एक एंट्रेंट आया है, वो है चाइना। चाइना ने पहली बार 24 वॉरहेड्स को डिप्लॉय किया है। ये रहेगी स्टोर्ड वाली लिस्ट, तो 476 स्टोर्ड है इंडिया में, क्या है इंडिया के 172 है। तो पाकिस्तान से इस बार इंडिया ने लीड ले लिया है। लास्ट ईयर कितने थे? 164 थे, इस बार हो गए हमारे 172। वहीं पाकिस्तान के लास्ट ईयर भी 170 थे और अभी भी 170 है। नॉर्थ कोरिया ने भी यहाँ तक इंक्रीज कर लिए हैं, लास्ट ईयर 30 से 50 हो गए, इसराइल के उतने ही है। और यूके के कितने हैं? 105। अच्छा, ये मिलिट्री स्टॉक पाइल होगा कि किसके पास कितने हैं, इसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं आया है, केवल 9 का डिफरेंस है, 9576 एंड 9585 है। अच्छा, रिटायर्ड कितने किए हैं? तो बेसिकली जो रिटायर्ड किए हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया ने ही किए हैं, अराउंड 1500-1400। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो इफेक्टिवली इनके इतने ही आ रहे हैं अभी भी, तो उसका रीजन ये है कि ये बना भी तो रहे ना उस इंटेंसिटी के साथ। तो ये थी पूरी डिटेलिंग कि जो डिप्लॉयड हैं वो पहले जो थे उससे ज्यादा हो गए हैं, इस बार हो गए हैं 3904, ये 60 ज्यादा है कंपेयर टू लास्ट ईयर। और टोटल इन्वेंट्री कितना है, हमने देखा ही था कि 12,121, ये लास्ट ईयर से डिक्रीज हुई है इस मामले में। तीसरा सवाल, इंडियन पाकिस्तान का क्या स्टेटस है? जैसे कि हमने ऊपर भी देखा कितने वॉरहेड्स हैं इंडिया एंड पाकिस्तान के पास, बट एक चीज दोनों ही इंडियन पाकिस्तान कोशिश कर रहे हैं, वो है मल्टीपल वॉरहेड बैलिस्टिक मिसाइल पर लगाने की। ये एक्सपेरिमेंट वैसे नॉर्थ कोरिया भी ट्राई कर रहा है, समथिंग दैट रशिया, यूएसए, यूके, फ्रांस एंड चाइना ऑलरेडी कर चुके हैं। अब इसका फायदा ये है कि एक ही मिसाइल हेवी डिस्ट्रक्शन कॉज करेगा। इसके अलावा इंडियन पाकिस्तान दोनों ही न्यू टाइप की न्यूक्लियर डिलीवरी सिस्टम बना रहे हैं। अगर फोकस की बात करें तो पाकिस्तान का फोकस आज भी भारत है, वहीं भारत अब इम्फोसाइज कर रहा है लॉन्ग रेंज वेपन्स पे, जिससे साफ पता चलता है कि भारत अब पूरे चाइना को कवर करना चाहता है और अपनी रेंज में लेना चाहता है। चौथा सवाल, चाइना कहां स्टैंड करता है न्यूक्लियर वेपन की रेस में? जैसे हमने देखा कि चाइना 500 का आंकड़ा छू चुका है इन जनवरी 2024।
इशू वाली बात यह है कि पहली बार चाइना ने डिप्लॉय कर दिए हैं न्यूक्लियर मिसाइल्स, वो भी पीस टाइम के दौरान। हैंस एम क्रिस्टेंसन, एसोसिएट सीनियर फेलो विद सीप्री वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन प्रोग्राम, कहते हैं कि चाइना अपने न्यूक्लियर वेपन्स को दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ा रहा है। और इसका रीजन भी है क्योंकि चाइना अपनी एक्सपेंशनरी टेंडेंसी के कारण हर जगह अग्रेशन शो कर रहा है, फिर चाहे इंडिया का गलवान एरिया हो, तिब्बत या ताइवान, और या साउथ चाइना सी में फिलीपींस इशू, जो कि हमने हाल में देखा भी था कि कैसे चाइना के लोग कुल्हाड़ी और चाकू लेके आए थे। पांचवा सवाल, वर्ल्ड कहां जा रहा है अगर न्यूक्लियर वेपन की रेस की बात करें? रशिया एंड यूएसए के पास दुनिया के 90% न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। इसमें से यूजेबल वॉरहेड्स अभी भी स्टेबल बताए जा रहे हैं, पर रशिया ने लगभग 36 वॉरहेड्स और डिप्लॉय कर दिए हैं। ये वेपन्स उनके ऑपरेशनल फोर्सेस के अंडर हैं। न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड जो डेटा शेयरिंग की ट्रांसपेरेंसी थी वो अब यूक्रेन वॉर के बाद से कम होती जा रही है। फर्दर कुछ क्लेम्स जरूर थे कि रशिया ने बेलारूस में न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉय कर दिए हैं, हालांकि इससे रिलेटेड कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिला। वहीं अगर यूके की बात करते हैं तो उन्होंने 2023 से वॉरहेड में कोई इंक्रीज नहीं किया है, बट 2021 में एक अनाउंसमेंट आई थी कि वो अपनी लिमिट अब 225 से 260 करने वाले हैं। दूसरी ओर फ्रांस ने अपने थर्ड जनरेशन न्यूक्लियर पावर्स बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन SSBN प्रोग्राम को कंटिन्यू किया है और एक नया एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल प्रोग्राम स्टार्ट किया है। इसके अलावा पुराने सिस्टम को रिफर्बिश और अपग्रेड भी किया है। वहीं नॉर्थ कोरिया अपने मिलिट्री प्रोग्राम को खुद की नेशनल सिक्योरिटी को देखते हुए एक्सपैंड कर रहा है। सिप्री के एस्टिमेट के हिसाब से 50 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं ऑलरेडी नॉर्थ कोरिया के पास, और वो इतना फैसाइल मटेरियल पजेस करता है कि इस नंबर को 90 तक और ले जाए। सिक्स्थ क्वेश्चन, क्या ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आ गए हैं? इस पे रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं कहा है, तो कई साइट्स हैं ईरान में जहां न्यूक्लियर फिसाइल मटेरियल है, बट वेपन ग्रेड का एनरिचमेंट ईरान हमेशा ही डिनाई करता रहा है। ईरान का क्या है कि ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है वो आप देख सकते हैं कि हाईली एनरिच यूरेनियम कहाँ पे है, नटांस फैसिलिटी पे, और हाईली एनरिच यूरेनियम कहाँ पे है, फोर्डो फैसिलिटी पे। तो इनकी जो चार फैसिलिटीज हैं जहाँ पे ये यूरेनियम का एनरिचमेंट कर रहे हैं, तो इन पे क्या है कि इंटरनेशनल एजेंसी है उसका विजिट होता रहता है। तो ये न्यूक्लियर जो डील क्रैक करना चाहता था यूएसए इनके साथ की, जैसे न्यूक्लियर वेपन ना बनाए, वो चीज़ तो बन नहीं पा रही है। तो अभी क्या है ना कि इनके पास इतना एनरिच यूरेनियम है कि ये लगभग 8 से 10 न्यूक्लियर वेपन बना सकते हैं, और नंबर ऑफ सेंट्रीफ्यूज कितने हैं इनके पास, 19,000 है, और बॉम्ब को बनाने में सिर्फ 2 से 3 महीने मिलेंगे। और मेरा मानना ये भी है कि इसमें हेल्प इनकी रशिया भी कर सकता है, और अगर डील नहीं होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि बॉम्ब बनी जाएगी। अच्छा, अलग अलग पाथवेज भी हैं कि कैसे बॉम्ब बना सकते हैं। एक तो यूरेनियम वाला हो गया, दूसरा क्या है इनके प्लूटोनियम के थ्रू भी ये बना सकते हैं ये। एंड उसके बाद क्या है कि अगर डील इनकी रहेगी कंटिन्यू, तो अंडर द न्यूक्लियर डील इंटरनेशनल इंस्पेक्टर विल मॉनिटर ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम एट एवरी सिंगल स्टेज। जैसे कि हम देख सकते हैं कि यूरेनियम के बाद क्या माइनिंग कैसे हो रही है, कन्वर्जन क्या है, एनरिचमेंट कितना है, फ्यूल मैन्युफैक्चरिंग कितनी है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में क्या हो रहा है, स्पेंट फ्यूल क्या है। तो ये IAEA ये बेसिकली इसको क्या है, मॉनिटर करेगी, ठीक है। तो अगर ये चीज देखें कि ईरान के पास अभी न्यूक्लियर वेपन है या नहीं है, तो इसमें कुछ क्लियर कट नहीं है। जैसे कि मैंने बताया भी था कि खमीनी ऑलरेडी आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया है कि हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं है, ये इस्लाम के खिलाफ है, एक साइड तो ये कहते हैं, और दूसरी साइड वो ये भी कह रहे हैं कि अगर ईरान जिस दिन चाहे न्यूक्लियर वेपन बनाना वो उस दिन बना सकता है, उसे कोई रोक नहीं सकता दुनिया को। तो ये था बेसिकली ईरान का पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर कि क्या है, क्या उनके पास बॉम्ब है या नहीं। सेवेंथ क्वेश्चन, ये न्यूक्लियर वेपन को कंट्रोल करने वाली ट्रीटीज का क्या हुआ जो न्यूक्लियर वेपन्स इंक्रीज होते जा रहे हैं? न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल एंड डिसआर्ममेंट डिप्लोमेसी को मेजर सेटबैक सफर करने पड़े 2023 में। रशिया फेब 2023 में न्यू स्टार्ट ट्रीटी में खुद के पार्टिसिपेशन को सस्पेंड कर देता है। ये लास्ट रिमेनिंग न्यूक्लियर आर्म कंट्रोल ट्रीटी थी जो यूएसए एंड रशिया के स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर फोर्सेस को लिमिट करती थी। सिंस रशिया ने इसे सस्पेंड कर दिया है, तो इसके काउंटर मेजर में यूएसए ने भी डेटा शेयरिंग के लिए मना कर दिया है, जिसका मतलब है अब कोई कुछ भी करे किसी को भी नहीं पता चलेगा, एंड दिस इज बैड, आई मीन रियली बैड फॉर द वर्ल्ड। बात यहाँ ही नहीं थमती, नवंबर में रशिया ने अपने रेटिफिकेशन भी विथड्रॉ कर लिए हैं फ्रॉम
CTBT दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर ट्रस्ट बैन ट्रीटी, और ये कहते हुए विड्रॉ किया कि इस ट्रीटी में इम्बैलेंस है सिंस यूएसए ने तो 1996 से इसे आज तक रेटिफाई ही नहीं किया है। टेंशन न्यूक्लियर वॉर को लेकर तब से बढ़ गई है जब से रशिया ने मई 2024 में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन ड्रिल कंडक्ट की है यूक्रेन बॉर्डर के पास। आठवां सवाल, कौन कंट्री कितना स्पेंड कर रहा है न्यूक्लियर वेपन्स पे? इंटरनेशनल कैंपेन टू अबॉलिश न्यूक्लियर वेपन आईकैन के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टोटल खर्चा जो कंट्रीज ने किया है न्यूक्लियर वेपन्स पे वो है वूपिंग 91.4 बिलियन। ये 2022 के कंपैरिजन में लगभग $11 बिलियन बढ़ा है। यूएसए अकेले ही टोटल अमाउंट का 80% खर्च करता है, दैट इज $51.5 बिलियन, एंड दैट इज ह्यूमंगस। वहीं चाइना नेक्स्ट नंबर पे आता है विद $11.8 बिलियन, एंड रशिया तीसरे नंबर पे आता है विद $8.3 बिलियन। वहीं इंडिया $2.6 बिलियन स्पेंड करता है, जबकि पाकिस्तान स्पेंड कर रहा है अराउंड $1 बिलियन। आप समझ सकते हैं कि हमारा डिफेंस बजट अराउंड $75 to $80 बिलियन है, तो ये एक ह्यूज चंक है और आगे आने वाले टाइम में ये और भी बढ़ेगा क्योंकि हमारी रेस चाइना से, वही पाकिस्तान के केस में घटेगा। जो इकोनॉमी की हालत है ऐसे केस में वो इतना बड़ा खर्चा सस्टेन नहीं कर पाएंगे। सिप्री डायरेक्टर डैन स्मिथ कहते हैं वी आर नाउ इन वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस पीरियड इन ह्यूमन हिस्ट्री, मतलब सबसे खतरनाक टाइम चल रहा है मानव इतिहास का। वो कहते हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, इकोलॉजिकल डिस्ट्रप्शंस हैं, आर्म रेस बढ़ती जा रही है। अब टाइम है कि ग्रेट पावर जो दुनिया की हैं वो स्टेप बैक करें और मिलकर सोचें। आपका क्या मानना है, क्या न्यूक्लियर वॉर होने के चांसेस बढ़ गए हैं? क्या दुनिया इससे बच पाएगी? क्या इंसान इतना बेवकूफ है जो इन वेपन का यूज करेगा ऑन मास लेवल इन वॉर? लिखिएगा कमेंट सेक्शन में जरूर, क्योंकि आपकी राय मैटर करती है। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। यार आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, ये सिर्फ 0.3% कर लोगे तो नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और हमें भी काफी मोटिवेशन मिलेगी कि आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट लाते रहें। सो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल गुरुकुल IAS। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू योर चैनल गुरुकुल IAS। थैंक यू। जय हिंद। गॉड ब्लेस एंड ब्लेस यू।